हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। एक दिन पहले यानी 12 मार्च को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके साथ ही राज्य में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। खट्टर के इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद ही नायब सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। सैनी ने 12 मार्च को विधानसभा में विश्वास मत पेश किया, जो ध्वनिमत से पास हो गया। साथ ही हरियाणा की नई सैनी सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई। बीजेपी से अलग हुई जेजेपी ने बुधवार को हिसार में बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भाषण दिया। एक दिन पहले ही हरियाणा की सियासत में हुई उथल पुथल का प्रभाव दुष्यंत चौटाला के चेहरे पर नहीं दिखा। आश्चर्य की बात थी कि दुष्यंत बड़े ही कूल नजर आ रहे थे। भाषण में उन्होंने मजाकिया अंदाज में एक दिन पहले हुए घटनाक्रम पर अपनी बात रखी। उसे सुनकर आप भी हंस पड़ेंगे। सुनिए दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा। एक चीज जरूर कल के इस घटनाक्रम से मुझे देखने को मिली। मैं जब भी चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता था, करनाल जाता था, सिरसा जाता था, यहां आता था, गुड़गांव जाता था, ये आजकल छोटे छोटे माइक आगे सबके हाथ में है, ये मुंह के आगे लगा के कह देते थे गठबंधन कब तक रहेगा, और मैं कहता था भाई मजबूती से रहेगा, जिस दिन टूटेगा थामने भी बेरा नहीं लगेगा। सारे बैठे हो, पता चला किसी के साथी को, आपका एक साथी है चंडीगढ़ ट्रिब्यून में, उससे पूछना। 5 दिन पहले मैंने उसको फोन करके कहा, मैं कहा मोदी जी हरियाणा आ रहे हैं, और मैं कहा सीएम साहब की अगर बड़ाई कर दी ना तो भैया मेरे साथ ही जाओगा, और बड़ाई भी ऐसी करी कि मेरे साथ मोटरसाइकिल पे घुमा करते थे, चटाई पे सोया करते थे। मनोहर लाल जी, अब एक चीज मैं सीख गया, मैं किस्मत वाला हूं। 4 साल पहले दिल्ली के चुनाव में मैं स्टेज पे गया, प्रधानमंत्री जी का जलसा था, भाषण दे रहे थे, उनने बात कही थी मेरे बहुत ही ऊंचे दोस्त, मैं कहा भाई 4 साल काट दिए, मगर मैं पत्रकार साथियों को कहूंगा उस दिन की वीडियो निकालो, 1-2 की और बढ़ाई करके गए थे, बेरानी गुड़गांव वाले का, फरीदाबाद वाले का, या और 2-3 मंच पे थे, किसका नंबर कटेगा। अपने भाषण में दुष्यंत चौटाला ने लोगों को विश्वास दिलाया कि न हौसला कम हुआ है न वो कमजोर पड़े, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों को कमजोर करने के प्रयास जरूर किए जा सकते हैं। साथियों, आप लोगों को कमजोर करने के प्रयास करे जा सकते हैं। आप लोगों के बीच में भ्रम फैलाकर कोई तोड़फोड़ करने के लिए प्रयास करे जा सकते, मगर भ्रम तोड़फोड़ वहीं हो पाएगी जो संगठन की निष्ठा से जुड़ा हुआ आदमी नहीं। अगर मजबूती से संगठन सर्वोप्रिय मानकर आप अपना कर्तव्य निभाते रहोगे तो यह लिख कर ले लेना, आंधिया तूफान कोई सी आए आपको चट्टान की तरह मजबूत रहना पड़ेगा, आपके असूलों को कोई तोड़ नहीं पाएगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र भी दिया और 4 बातें हमेशा याद रखने को कहा। 4 चीज पे काम करो, अगर उन 4 चीजों पे काम अच्छी तरह हो जाएगा तो आप कभी पिछड़ोगे नहीं। 1 सिर से ठंडे रहो, 1 मुंह से मीठे रहो, 5 की रफ्तार तेज करो और पार्टी का प्रचार थमने ना दो। अगर इन 4 चीजों पर काम पूरा कर दिया, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। शायद यही वो बातें हैं जिन्हें वो खुद भी फॉलो करते हैं और कूल रहते हैं। आपको बता दें कि सोमवार देर रात
दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने 1 से 2 सीटें मांगी थीं। बीजेपी आलाकमान ने उन्हें कहा कि जो गठबंधन का आगे विचार होगा उससे अवगत कराया जाएगा, उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि इन 4.5 साल में उन्होंने लोगों को पहचानना सीखा और जो गलती हुई है वो आगे होने नहीं देंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।